चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राज्यों के दौरे कर रहे हैं। वो 13 मार्च तक दर्जन भर, जी हां, 12 राज्यों का दौरा करेंगे, रैली करके विपक्ष पर हमला बोलेंगे। वहीं राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता के बीच है और केंद्र सरकार पर हमलावर है। मेरा बॉडी भारत एवं विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के तेवर तल्ख है। उनका लक्ष्य और मुद्दा तय है। परिवारवाद के बहाने वो हर विपक्षी दल पर जोरदार हमला कर रहे हैं और बीजेपी के प्रचार मिशन मोड में जुट चुके हैं। चुनाव करीब है और देश के दो बड़े नेता अपने अपने तरीकों से जनता के बीच। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी एक ही दिन में दो दो राज्यों का दौरा करके रैलियां कर रहे हैं। परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा, देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। वो 13 मार्च तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे पर निकल चुके हैं। इस दौरान वो देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली शामिल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। ये सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की अपनी यात्रा की शुरुआत की तस्वीरें हैं। जगह है तेलंगाना का आदिलाबाद, जहां उन्होंने 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया और इसके तुरंत बाद वो चेन्नई पहुंचकर डीएमके को घेरने में जुट गए। जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा, वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। वे लोग झूठ बोलकर जनता को आपस में बांटकर, लोगों को लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। मेरे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी हर दिन के साथ नए नए राज्यों के दौरे पर। ये ओडिशा के संगारेड्डी में पीएम के दौरे की तस्वीरें, जहां पर उन्होंने विरोधियों और खुद के फर्क को समझाया। तेलंगाना के बाद पीएम ओडिशा के जाजपुर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल भी बहुत अहम है, जहां प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली मेट्रो लाइन की शुरुआत करेंगे। जैसे मैं इस वक्त इस ट्रेन में बैठा हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी सजावट है और इसके शीशे के उस पार जैसे ही ये ट्रेन पानी के सतह के उस नीचे आ जाएगा, यानी हुगली नदी के नीचे से जब ये ट्रेन गुजरेगी और ऊपर नदी बह रहा होगा, तो तब उस दौरान जो है नीली एक बत्ती वहां पर जल जाएगी और तब यात्री वो समझ पाएंगे दरअसल इस वक्त उसकी मौजूदगी बिल्कुल पानी के सतह के नीचे। मोदी इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले की 12-7 एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां पर वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। 5 दिनों में पीएम की ये पश्चिम बंगाल की दूसरी रैली होगी, जहां पर पीएम ममता पर हमला बोल सकते हैं। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की,
ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। 7 मार्च को पीएम मोदी श्रीनगर जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा होगा। पीएम 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश से पीएम असम के जोरहाट जाएंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी जाएंगे। 10 मार्च को पीएम मोदी यूपी के आजमगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं को देशवासियों को समर्पित करेंगे और रैलियों में विपक्ष खास तौर से उनके निशाने पर होगा। सड़क की परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी अगर बीजेपी को जिताने के लिए राज्यों के दौरे पर है तो कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, जहां पर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद राहुल गांधी ने उज्जैन में रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन शहर और राहुल गांधी यहां पे निकल रहे हैं। आप देखिए, इस रोड शो के जरिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक तरीके से अंतिम चरण पे आपको दिख जाएंगे। देखिए पब्लिक